हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर लेके आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को 6 प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि पूरी तरह से बेस्ड पहले लेक्चर पे होगा। लास्ट का 5th और 6th प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस प्रॉब्लम को जरूर देखें अच्छे से और उस प्रॉब्लम को थोड़ा समझने का कोशिश करें। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, फिर एलिमेंट के बारे में बताए थे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में बताए थे, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं उन्हीं सब पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं वो सब प्रॉब्लम को। आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक मैट्रिक्स जिसमें 12 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स का क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो m क्रॉस n होता है, जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को और m इंटू n रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे m और n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, m और n हमेशा कैसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। मतलब कि हमको यहाँ पे m और n के बारे में पता करना है कि m और n का वैल्यू क्या हो सकता है, इस तरह से कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 12 होना चाहिए और m और n दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो एक मैट्रिक्स हो सकता है 1 क्रॉस 12 का। आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ रो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम 12 हो तो 1 क्रॉस 12 ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, 12। और यहां पे m और n नेचुरल नंबर है, यहां पे m 1 के बराबर और n 12 के बराबर, इसे m और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। अगर हम ऑर्डर 2 क्रॉस 6 का रखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या हो गया 2, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 6, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या आ जाएगा, 12। अगर ऑर्डर हम रखें 3 क्रॉस 4 का तो 3 × 4 भी 12 हो जाएगा, अगर हम ऑर्डर रखें 4 क्रॉस 3 तो ये भी 12 होगा, अगर हम ऑर्डर रखें 6 क्रॉस 2 तो ये भी क्या आएगा, 12, और अगर हम ऑर्डर रखें 12 क्रॉस 1 तो ये भी क्या आएगा, 12। इसके अलावा हम कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्डर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो 12 नहीं आएगा, बशर्ते m और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाना चाहिए, और हम उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर के अलावा हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑर्डर का डेफिनेशन ही है कि m क्रॉस n, जिसमें m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जहां पे m और n दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां पे 12 था तो 12, तो 1 क्रॉस 12 लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 12 हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, और दोनों देखिए नेचुरल नंबर है। सिमिलरली 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1, सब का मल्टीप्लीकेशन 12 है, और सब क्या है, m और n सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल ऑर्डर मिलेगा, और कौन कौन सा ऑर्डर मिल सकता है, तो ये 6 ऑर्डर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हूज एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का पावर 2/2। तो यहां पे एलिमेंट ए आई जे दिया हुआ है कि ए आई जे किसके बराबर होगा, आई प्लस जे होल पे पावर 2/2। यहां पे क्या करना, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, इसका मतलब हो गया कि आपको एक मैट्रिक्स लिखना है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 आप यहां पे देख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 2,
और नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, दो, दो रो और दो कॉलम, मतलब कि दो हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए और दो वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स के बारे में लिखते हैं कि एक कोई एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो दो होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी दो होना चाहिए। तो दो रो और दो कॉलम मतलब दो हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए और दो वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन में क्या हो सकता है, A11 और A12। हम आगे फर्दर नहीं जा सकते। आगे क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे A13 यहाँ पे लिखते हैं तो तीन वर्टिकल लाइन होगा, तीन वर्टिकल लाइन मतलब तीन कॉलम हो जाएगा। हमको तीन कॉलम नहीं चाहिए, केवल दो ही कॉलम चाहिए। यहाँ पे दो रो है तो एक और नीचे लिखेंगे A21 और A22। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हॉरिजेंटल लाइन और दो वर्टिकल लाइन, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया 2x2 का। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये A11, A12, A21 और A22 क्या होगा? तो इसी एलिमेंट को निकालने के लिए ये गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AIJ का वैल्यू क्या है, I+J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे I है तो I आया, J है तो J आया, होल स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम A11 निकाले तो आप खुद इससे कंपेयर करें, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे I के यहाँ पे क्या रखेंगे, 1, J के यहाँ पे क्या रखेंगे, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1+1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1+1 इज वॉट 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली हम A12 निकालेंगे तो A12 क्या आएगा, 1+2, आई का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है और जे का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। तो आई के प्लेस पे 1 रखे, जे के प्लेस पे 2 रखे तो I+J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आया, तो 1+2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बन जाएगा, 9/2। उसी तरह से अगर हम A21 निकाले तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, तो ये 2+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 9/2। और एक लास्ट एलिमेंट A22 निकालेंगे तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, तो ये 2+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, 4, 4 का पावर 2, 16, 16/2 इज वॉट, 8। तो यहाँ पे आप देखें कि 1-1 आ चुका है 2, 1-2 आ चुका है 9/2, A21 आ चुका है 9/2, A22 आ चुका है 8। इन चारों एलिमेंट के वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं A11 है, A11 का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 रखें। फिर A12 देखें, A12 का वैल्यू क्या है, 9/2, तो A12 के प्लेस पे 9/2 रख दिए। फिर A21 किसके बराबर है, 9/2, तो यहाँ पे हम 9/2 रखे। A22 किसके बराबर है, 8, तो यहाँ पे 8 रखे और ये आपका मैट्रिक्स हो गया 2x2। तो यही आपका मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे क्या था, एक मैट्रिक्स तैयार करना था 2x2 ऑर्डर का। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब दो हॉरिजेंटल लाइन, दो वर्टिकल लाइन। तो दो हॉरिजेंटल लाइन और दो वर्टिकल लाइन। तो एलिमेंट कौन कौन सा होगा, A11, A12, A21, A22। AIJ डिफाइंड किया हुआ है, AIJ क्या है, I+J होल स्क्वायर बाई 2। तो हम यहाँ से A11, A12, A21, A22 निकाल लिए, A की जगह पे रख दिए, तो ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो ये था आपका दूसरा प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आपको 2x2 मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू मॉड, ये मॉड का सिंबल है, 2i-3j बाई 2 मॉड। मॉड का काम क्या होता है कि वो कोई भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना। 2x2 ऑर्डर का, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2x2, तो अगेन दो रो और दो कॉलम, तो दो रो और दो कॉलम, तो क्या बनेगा, A11, A12, फिर A21, A22। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया 2x2 ऑर्डर का। यहाँ पे A11, A12, A21 और A22 फाइंड करना होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो AIJ इज इक्वल टू व्हाट, मॉड 2i-3j डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A11,
तो ए वन वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का वैल्यू क्या है वन, जे का वैल्यू क्या है वन, तो जब आप यहाँ पे वन रखेंगे तो टू इंटू वन टू बनेगा, थ्री इंटू वन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, तो देखिए टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री इज वॉट माइनस वन, माइनस वन निगेटिव है तो मॉड इसको क्या बना देगा पॉजिटिव, तो ये आपका क्या आ गया वन बाई टू। अब ए वन टू, यहाँ पे आई का वैल्यू वन जे का वैल्यू टू, तो आई के जगह पे वन रखे तो ये टू, टू इंटू वन, और जब जे के जगह पे आप टू रखेंगे तो थ्री इंटू टू क्या बनेगा सिक्स डिवाइड बाई टू, तो टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स क्या बनेगा माइनस फोर, माइनस फोर का मॉड क्या बनेगा प्लस डिवाइड बाई टू, तो ये आ गया टू। अब ए टू वन, यहाँ पे देखें आई का वैल्यू क्या है टू और जे का वैल्यू वन, तो टू इंटू टू फोर आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, तो फोर माइनस थ्री वन, तो ये वन बाई टू आ गया। अब हम यहाँ पे लास्ट एलिमेंट निकालेंगे ए टू टू, तो ये ए टू टू, आई का वैल्यू आप देख सकते हैं टू के बराबर और जे का वैल्यू टू, तो आई के प्लेस पे टू रखेंगे और जे के प्लेस पे टू, तो यहाँ पे टू रखे तो टू इंटू टू फोर, यहाँ पे टू रखे तो माइनस थ्री इंटू टू क्या बनेगा सिक्स का मॉड डिवाइड बाई टू, तो फोर माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स माइनस टू मॉड है, तो ये टू बनेगा और टू डिवाइड बाई टू क्या आ जाएगा वन। तो यहाँ पे मेरे पास चारों एलिमेंट का वैल्यू आ गया ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, इन चारों एलिमेंट को हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए में रखेंगे, तो ए इज इक्वल टू ए वन वन, हियर ए वन वन इज वॉट वन बाई टू, फिर ए वन टू, ए वन टू का वैल्यू क्या है टू, ए टू वन, ए टू वन का वैल्यू क्या आ गया वन बाई टू, ए टू टू, ए टू टू का वैल्यू क्या है वन, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया टू क्रॉस टू। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का प्रॉब्लम था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था मतलब कंस्ट्रक्ट करना था टू क्रॉस टू ऑर्डर का, जहाँ पे एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया था टू आई माइनस थ्री जे का मॉड डिवाइड बाई टू। तो सबसे पहले हम ए लिखे, ए लिखने के बाद ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू फाइंड किए, फाइंड करने के बाद इसको यहाँ पे रखे, तो ये आपका ये मैट्रिक्स ए हो गया। तो ये था आपका तीसरा प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ प्रॉब्लम को। फोर्थ प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना टू क्रॉस थ्री का, तो इस बार टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना मतलब दो रो और तीन कॉलम। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए, इसमें क्या होना चाहिए दो रो होना चाहिए, दो रो मतलब दो हॉरिजेंटल लाइन और तीन वर्टिकल लाइन, मतलब ए वन वन, ए वन टू, यहां पे आगे भी बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको तीन कॉलम चाहिए, तीन वर्टिकल लाइन चाहिए, तो ये ए वन थ्री, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। आप यहां पे देख सकते हैं दो हॉरिजेंटल लाइन हो गया और तीन वर्टिकल लाइन हो गया, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया टू क्रॉस थ्री का। अब सेम तरीके से हमको यहाँ पे सब एलिमेंट निकालना पड़ेगा इस मेथड के मदद से। तो यहाँ पे ए आई जे, आप देख सकते हैं आई माइनस जे आई प्लस जे है, तो हम सबसे पहले ए वन वन निकालें, तो आई के प्लेस पे क्या है वन, जे के प्लेस पे क्या है वन, तो आई के प्लेस पे वन रखेंगे माइनस जे के प्लेस पे वन रखेंगे तो ऊपर जीरो, तो ऊपर जीरो, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा जीरो। फिर हम ए वन टू निकालते हैं, आई वन जे टू, तो आई के प्लेस पे वन रखेंगे जे के प्लेस पे टू, तो वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या बनेगा माइनस वन डिवाइड बाई, यहां पे वन रखेंगे यहां पे टू, तो वन प्लस टू क्या बन जाएगा थ्री, तो ए वन टू का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन बाई थ्री। अब हमको निकालना ए वन थ्री का वैल्यू, यहां पे देखिए आई क्या है वन और जे क्या है थ्री, तो आई के प्लेस पे वन और जे के प्लेस पे थ्री, तो वन माइनस थ्री माइनस टू, आई के प्लेस पे वन, जे के प्लेस पे थ्री, तो ये फोर बना माइनस टू डिवाइड बाई फोर माइनस वन बाई टू। उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं ए टू वन, आई के प्लेस पे टू है और जे के प्लेस पे वन, तो आई के प्लेस पे टू रखेंगे और जे के प्लेस पे वन, तो ये टू माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, तो टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन और डिवाइड बाई थ्री। अब ए टू टू, आई के प्लेस पे टू, जे के प्लेस पे टू, तो आई के जगह पे टू रखेंगे जे के जगह पे टू, तो ऊपर जीरो आ गया। ए टू थ्री, आई के प्लेस पे टू, जे के प्लेस पे थ्री, तो टू माइनस थ्री क्या आ जाएगा माइनस वन और नीचे टू प्लस थ्री क्या बन जाएगा फाइव।
तो यहाँ पे मेरे पास सारा एलिमेंट आ गया a110, a12 माइनस वन बाई थ्री, a13 माइनस वन बाई टू, a21 वन बाई थ्री, a22 जीरो और a23 माइनस वन बाई फाइव। इन सबको यहाँ पे हम रखते हैं तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a11 जीरो, a12 माइनस वन बाई थ्री, a13 क्या है माइनस वन बाई टू, फिर a21 ये a21 इज वन बाई थ्री, a22 जीरो, a23 माइनस वन बाई फाइव। तो ये आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो गया 2x3 का। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव आप देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना 3x3 मैट्रिक्स का, जहां पे एलिमेंट को इस बार इस तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर ए आई जे आई प्लस जे होगा, कब, जब आई का वैल्यू जे के वैल्यू से बड़ा होगा। ए आई जे आई प्लस टू जे होगा व्हेन आई इक्वल टू जे, और ए आई जे आई माइनस जे होगा व्हेन आई इज लेस देन जे। तो आई और जे के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ए आई जे क्या डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, a31, a32 और a33। यहाँ पे तीन रो और तीन कॉलम, क्यों, क्योंकि हम वो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तीन एलिमेंट में आई और जे का वैल्यू क्या है, सेम। यहाँ पे भी देखें आई और जे बराबर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आई और जे बराबर है। यहाँ पे अगर आप इस तीन एलिमेंट को देखें तो इस तीन एलिमेंट में आप गौर कर सकते हैं कि आई का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, जे का वैल्यू क्या है 1, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू क्या है 1, आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू क्या है 2। तो इस केस में आई जो है वो जे से क्या है बड़ा, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तीन एलिमेंट को कंसीडर करें तो इस तीन एलिमेंट में यहाँ पे I1 है J2, I1 J3, I2 J3, यहाँ पे I का वैल्यू J से क्या है कम। तो इस तीन एलिमेंट के लिए I और J बराबर होना चाहिए, तो I और J बराबर यहाँ पे इसमें है, तो I और J बराबर। तो इस केस में AIJ का वैल्यू क्या आएगा, आई प्लस 2J। यहां पे आप देख सकते हैं इस तीन एलिमेंट के लिए आई ग्रेटर देन जे है, तो आई ग्रेटर देन जे आप यहां पे देखें कंडीशन में आई ग्रेटर देन जे है, तो यहां पे ए आई जे आई प्लस जे की तरह काम करेगा। यहां पे इस तीन एलिमेंट में आई का वैल्यू क्या है, जे से कम, तो आई का वैल्यू जे से कम यहां पे है, तो यहां पे ए आई जे किसकी तरह काम करेगा, आई माइनस जे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a11, यहां पे आई और जे बराबर, तो ये ए आई जे इसकी तरह काम करेगा क्योंकि आई और जे क्या है बराबर। तो आई की जगह पे वन रखेंगे और जे की जगह पे वन रखेंगे, तो वन प्लस टू क्या बन जाएगा 3। अब a12 की अगर हम बात करें तो a12 अब खुद देखें आई क्या है 1, जे क्या है 2, i1 j2, मतलब i कम है j से, तो i कम j से ये वाला कंडीशन लग रहा है। तो यहाँ पे i के यहाँ पे क्या रखेंगे 1 और j के यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो 1 - 2 क्या बन जाएगा -1। फिर a13 यहाँ पे देखें i1 j3, तो i j से क्या है कम, तो i j से कम, अगेन यही कंडीशन चलेगा। यहाँ पे ए आई जे क्या है i - j, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 3, तो ये क्या बनेगा -2। फिर a21 की अगर हम बात करें a21, तो यहाँ पे देखें i2 j1, तो i का वैल्यू j के वैल्यू से अधिक है, तो i का वैल्यू j के वैल्यू से अधिक यहाँ पे है। तो इस केस में ए आई जे क्या i प्लस j, हियर i इज 2, j इज 1, तो 2 + 1 क्या बन जाएगा 3। a22 देख सकते हैं i और j बराबर, तो i और j बराबर इस कंडीशन में है, तो यहाँ पे ए आई जे क्या बनेगा i + 2j, तो i के यहाँ पे 2 और j के यहाँ पे 2, तो 2 + 4 क्या आ जाएगा 6। फिर a23 की अगर हम बात करें a23, आप देख सकते हैं i यहाँ पे क्या है 2, j यहाँ पे क्या है 3, तो i j से कम इस कंडीशन में, तो यहाँ पे 2 - 3 रखेंगे क्या आ जाएगा -1।
फिर हम निकालते हैं ए 31 को, आई यहां पे देख सकते हैं 3 है, जे क्या है 1, तो अगेन आई का वैल्यू जे के वैल्यू से क्या है बड़ा, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से क्या है बड़ा, तो यहां पे कौन सा कंडीशन लगेगा, फर्स्ट वाला कंडीशन लगेगा, तो आई के यहां पे 3, जे के जगह पे 1, तो ये क्या आ जाएगा 4, फिर ए 32, ए 32 आप देख सकते हैं आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा, आई 3 जे 2, तो फिर से फर्स्ट वाला कंडीशन, तो आई के यहां पे 3 रखेंगे और जे के यहां पे 2, तो ये क्या आ जाएगा 5, फिर ए 33 आई और जे बराबर, मतलब सेकंड कंडीशन, तो यहां पे 3 रखेंगे यहां पे 3, तो 3 प्लस 6 9, तो यहां पे हम ये सारा एलिमेंट निकालें, इन सारे एलिमेंट को निकालने के लिए हम यहां पे आई और जे के बीच क्या देखें कंडीशन की, आई किस में बड़ा है जे से, आई किस में छोटा है जे से, और आई और जे कहां बराबर है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे ए आई जे का डेफिनेशन लगाए। अब जाके हम सबको इस मैट्रिक्स में रखेंगे, तो A11 क्या आया 3, A12 का वैल्यू क्या है -1, A13 -2, A21 इज व्हाट 3, फिर A22 6, A23 -1, A31 4, A32 5 और A33 9, ये आपका हो गया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहां पे इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा कि ai j को i और j के अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा, आपको वहां पे देखना होगा कि i और j पे कंडीशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ai j का फार्मूला लगा के आपको सारे एलिमेंट का वैल्यू निकाल के मैट्रिक्स में पुट करना। तो ये था आपका फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, यहां पे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जहां पे aij का वैल्यू दिया हुआ, aij क्या है गिवन है तीन अलग-अलग कंडीशन में, i अगर j से बड़ा तो aij होगा 2i - j, i अगर j के बराबर तो aij होगा i + j, i अगर j से छोटा तो aij क्या होगा i - 2j। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स हम तैयार करते हैं 4x4 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया 4 रो और 4 कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा A11 A12 A13 A14 फिर A21 A22 A23 A24 फिर A31 A32 A33 A34 और लास्ट में A41 A42 A43 और A44, ये हो गया। इस बार हम डायरेक्ट निकालने का कोशिश करते हैं, हर एलिमेंट को अलग-अलग नहीं, डायरेक्ट यहीं पे पुट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं A क्या हो सकता है, तो यहां पे आप पहला एलिमेंट देखें A11, अब खुद देखें I और J बराबर है, तो I और J बराबर कौन से कंडीशन में जाएगा सेकंड वाला, तो यहां पे aij i + j है, तो i भी 1 j भी 1, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, तो यहां पे a11 क्या आ गया 2। अब a12 i देखे 1 j क्या है 2, तो आप बताइए i जो है j के वैल्यू से क्या है कम, तो यहां पे कौन सा कंडीशन लगेगा थर्ड वाला कंडीशन, तो थर्ड में क्या है i - 2j, तो i के जगह पे 1 रखेंगे j के जगह पे 2 रखेंगे, तो 1 - 4 1 - 4 क्या बनेगा -3, फिर 1 3 में भी आप देख सकते हैं i j से क्या है छोटा, i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 3, तो छोटा है तो i के यहां पे क्या रखेंगे 1 और j के यहां पे 3, तो 1 - 6 क्या बन जाएगा -5, फिर A14 I1 J4, अगेन ये कंडीशन क्यों, क्योंकि I का वैल्यू J के वैल्यू से कम, तो यहां पे 1 रखेंगे और J के यहां पे 4, तो 1 - 8 क्या बन जाएगा -7, तो ये देखिए आपका फर्स्ट रो तैयार हो गया। A21 यहां पे I2 है और J1, तो I J से बड़ा, तो फर्स्ट कंडीशन, तो I के यहां पे 2 रखेंगे J के यहां पे 1, तो 4 - 1 क्या बन जाएगा 3, फिर A22 यहां पे I और J बराबर, तो I और J बराबर मतलब सेकंड कंडीशन I + J, 2 + 2 इज व्हाट 4, फिर A23 I2 J3 मतलब I कम है J से, तो थर्ड कंडीशन, तो I के यहां पे 2 रखेंगे J के यहां पे 3 रखेंगे, तो 2 - 6 2 - 6 इज -4, फिर A24 I2 J4
I का वैल्यू कम J के वैल्यू से, तो फिर ये कंडीशन, तो I के यहाँ पे 2 और J के यहाँ पे 4, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 क्या बन जाएगा माइनस 6। फिर हम अगर इस एलिमेंट को देखें तो ये A31 है, I क्या है 3 और J क्या है 1, तो आप देख सकते हैं I J से बड़ा, तो फर्स्ट कंडीशन, तो 6 2 इंटू 3, यहाँ पे I के यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 क्या बनेगा 6, 6 माइनस 1 5। फिर A32 I अगेन J से बड़ा, तो यही कंडीशन, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, तो ये 4 बना। A33 दोनों बराबर, I भी 3 J भी 3 बराबर, तो I प्लस J, तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। A34 I3 J4 ये कंडीशन, तो I के यहाँ पे 3 रखेंगे, J के यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या बनेगा माइनस 5। A41 कौन सा कंडीशन, फर्स्ट, क्यों फर्स्ट, क्योंकि I J से अधिक है, तो 4 यहां पे रखे 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा 7। A42 फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि I J से अधिक है, तो I के यहां पे 4 यहां पे 2, तो ये क्या बनेगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 क्या बन जाएगा 6। A43 अगेन फर्स्ट कंडीशन, यहां पे हम I के यहां पे क्या रखेंगे 4 और J के यहां पे क्या रखेंगे 3, तो ये 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या बनेगा 5। A44 तो यहां पे 4 यहां पे 4, तो ये क्या बन जाएगा 8, तो ये आपका 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और आप लोगों को जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये अपर डायगोनल एलिमेंट है, यहां पे आप देख सकते हैं I लेस देन J है, तो यहां पे आप पहले इसको भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट ये अप्लाई करके। फिर ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, यहां पे I और J बराबर है, ये निकाल सकते हैं यहां से, और यहां पे I ग्रेटर देन J है, तो इन सब एलिमेंट के लिए ऊपर वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो ये था आपका 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहां पे मैंने इस लेक्चर में 6 प्रॉब्लम डिस्कस किया, आप यहां से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें और अच्छे से बनाएं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिटेड हैं, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।